इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने तीनों फॉर्मेट्स में क्रिकेट के जैसे कि T20, ODI और टेस्ट में टीम ऑफ द डेकेड डिक्लेयर कर दिया है दोस्तों। ICC अवार्ड्स ऑफ द डेकेड का ये फर्स्ट अवार्ड है कि जो सबसे पहले टीम ऑफ द डेकेड डिसाइड की है दोस्तों ICC ने। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ICC टेस्ट टीम ऑफ द डेकेड मतलब पूरे 2010 से 2020 तक बेस्ट प्लेयर्स जो ICC मानती है वो कौन कौन है और ODI और T20 के लिए भी क्या है टीम ऑफ द डेकेड। ये जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो दोस्तों ये ट्वीट ICC ने किया है और ये मेंस T20 आई टीम ऑफ द डेकेड है। आप देख सकते हो दोस्तों इसमें कैप्टन है महेंद्र सिंह धोनी। ICC ने बोला है कि 2010 से 2020 तक द बेस्ट T20 टीम की कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी होने चाहिए। इस टीम का कंपोजिशन है दोस्तों रोहित शर्मा इंडिया के स्वॉशबकलिंग ओपनिंग बैट्समैन डेफिनेटली होने चाहिए, क्रिस गेल द बिग गेल यूनिवर्स बॉस, आरोन फिंच ऑस्ट्रेलिया के, विराट कोहली इंडिया की टीम के कैप्टन, AB डिविलियर्स उसमें तो कोई डाउट ही नहीं था दोस्तों AB डिविलियर्स की इस टीम में होने से, ग्लेन मैक्सवेल, महेंद्र सिंह धोनी, कायरन पॉलार्ड, रशीद खान अफगानिस्तान के ब्यूटिफुल बॉलर और हालांकि एक ऑलराउंडर की तरह ही खेल रहे हैं आजकल, जसप्रीत बुमराह इंडिया के बेहतरीन फास्ट बॉलर और लासिथ मलिंगा। आप देख सकते हैं दोस्तों T20 में चार इंडियन प्लेयर्स हैं मेंस T20 टीम ऑफ द डेकेड। ये है दोस्तों मेंस ODI टीम ऑफ द डेकेड। इसमें भी रोहित शर्मा है, विराट कोहली है और महेंद्र सिंह धोनी इसमें भी कैप्टन है। तो दोस्तों अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल महेंद्र सिंह धोनी से बड़ा कप्तान तो पैदा ही नहीं हुआ है दोस्तों। इसके अलावा रोहित शर्मा और डेविड वार्नर ओपनिंग बैट्समैन है मेंस ODI टीम ऑफ द डेकेड में। नंबर 3 पे डेफिनेटली इंडिया के कैप्टन विराट कोहली, फॉलोड बाय AB डिविलियर्स, शकीब अल हसन बांग्लादेश के, ही इज अ वेरी कंसिस्टेंट ऑलराउंडर, महेंद्र सिंह धोनी द थाला इंडिया के, बेन स्टोक्स इंग्लैंड के, मिचेल स्टार्क ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर, ट्रेंट बोल्ट न्यूजीलैंड के लेफ्ट आर्म अमेजिंग क्विक बॉलर, इमरान तहीर साउथ अफ्रीका के लेग स्पिनर जिनको साउथ अफ्रीका ही आजकल नहीं खिला रही है बट उनकी बहुत वैल्यू है दोस्तों फैंस की नज़रों में, और लासिथ मलिंगा। आप देख सकते हो कि लासिथ मलिंगा भी ODI और टेस्ट दोनों में प्लेयर ऑफ द डेकेड या टीम ऑफ द डेकेड में प्रेजेंट है। ODI और T20 टीम ऑफ द डेकेड में दोस्तों अगर आपको लगता है कि कोई और प्लेयर होना चाहिए था तो प्लीज़ कमेंट करके दोस्तों हमें बताइएगा क्योंकि इस टीम पर हम एनालिसिस करेंगे अभी और डिटेल में, क्योंकि दोस्तों राइट टू शिक्षा आपके लिए पूरा रिसर्च करके इन्फॉर्मेशन लेके आता है, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों हमें। अब हम आते हैं सबसे बड़े और सबसे इंपॉर्टेंट टीम ऑफ द डेकेड दैट इज द टेस्ट टीम ऑफ द डेकेड के ऊपर। ये जो आप स्क्रीन देख रहे हैं दोस्तों इस पे है टेस्ट टीम ऑफ द डेकेड, एलिस्टर कुक इंग्लैंड के, डेविड वार्नर, केन विलियमसन, विराट कोहली नंबर 4 पे, स्टीवन स्मिथ, कुमार संगकारा श्रीलंका के बेहतरीन बैट्समैन और विकेट कीपर, बेन स्टोक्स आप देख सकते हो बेन स्टोक्स ODI और टेस्ट टीम दोनों में है, स्टीव स्मिथ सिर्फ टेस्ट टीम में है, रविचंद्रन अश्विन इंडिया के ये भी सिर्फ टेस्ट टीम में है, डेल स्टेन साउथ अफ्रीका के, स्टुअर्ट ब्रॉड इंग्लैंड के और जिमी एंडरसन द ग्रेट इंग्लिश फास्ट बॉलर। इसमें आप देख सकते हो दोस्तों इंग्लैंड के प्लेयर्स का इसमें ज़्यादा वेट है, कुक, स्टोक्स, ब्रॉड, एंडरसन चार इंग्लिश प्लेयर्स है इसमें और इंडिया के सिर्फ विराट कोहली और रविचंद्रन अश्विन है। अगर आपको लगता है दोस्तों कि ये कैसे सिलेक्ट होता है तो हम राइट टू शिक्षा में आपको बताएंगे और इसीलिए हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। ये ICC टीम ऑफ द डेकेड हमारे ही वोट से बनी है। ICC प्लेयर ऑफ द डेकेड के लिए हमने जो वोटिंग की है, जो फैंस ने ICC पे पिछले एक महीने से दोस्तों फैंस ने ICC पोर्टल पे वोट दिए हैं कि कौन बेस्ट प्लेयर्स है तीनों फॉर्मेट में मेंस और वुमेन्स में, और उन्हीं वोट्स के बेसिस पे दोस्तों ICC ने ये रिजल्ट कंपाइल किए हैं। तो दोस्तों प्लेयर ऑफ द डेकेड अवार्ड से दो चीज़ें तो क्लियर है, एक कि महेंद्र सिंह धोनी की लीगेसी कभी नहीं मर सकती, और दूसरी जो इकलौते प्लेयर इस तीनों फॉर्मेट में थे वो थे विराट कोहली। तो विराट कोहली की भी जो सुप्रीमसी है वो भी कभी नहीं मर सकती। अगर आप सहमत हैं हमसे दोस्तों तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड स्प्रेड दिस वीडियो अमंगस्ट ऑल इंडियन क्रिकेट फैंस। धन्यवाद।